एक्चुअली पूरा स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, और तो स्पोर्टी लुक में ही आना चाहिए. जी बिल्कुल, मैंने मैच देखा था. और एक्चुअली जब आप जीतते हैं उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रहता, बट देन ऑब्वियसली विराट कोहली जिस तरीके से खेला है वो बहुत अमेजिंग रहा है, एंड आई होप कि वो पूरी सीरीज इसी तरीके से खेले और वर्ल्ड कप वापस घर लेकर आए. सी अभी हर कोई बोल रहा है कि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, सो फिंगर्स आर क्रॉस्ड, एंड आई नो द टीम इज़ वेरी स्ट्रांग, एंड आई एम श्योर वो बहुत अच्छा खेल के आएंगे. एक्चुअली मैं पहले क्रिकेट खेल चुकी हूँ, मैं अपने स्टेट के लिए क्रिकेट खेल चुकी हूँ, मैं वुमेन्स टीम में थी, तो आज मैं बहुत टाइम बाद फील्ड पे आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एक जो एक एनर्जी जो फील्ड में आके फील होती है ना, वही फील हो रही है. कोशिश वही है, काफ़ी टाइम बाद खेल रहे हैं पर कोशिश तो वही रहेगी. जी हाँ बिल्कुल, एक प्रोजेक्ट जल्दी आप उसके बारे में जानेंगे, मुझसे नहीं बट जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको जल्दी उसके बारे में बताएंगे. थैंक यू सो मच. सबसे पहली बात, मैं बड़े फख्र से डंके की चोट पे ऐलान करना चाहूँगा कि मैं इस मंच पे आया हूँ अपने पिताजी का नाम रोशन करने के लिए. काश आज वो जिंदा होते, हिंदुस्तान के सबसे अहम और सबसे डेंजरस सेंटर फॉरवर्ड कहलाए जाते थे अपने ज़माने में. और ये हैं मेरे भतीजे, ये मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लगते मेरे से बड़े हैं और बिहेव भी वैसा ही करते हैं. ये भी खुद अपने ज़माने में बहुत अच्छे अहम खिलाड़ी रह चुके हैं हिंदुस्तान के लिए और रेलवेज़ के लिए. ये हैं उनके उभरते कलाकार. इन पे जो भाई साहब, इन पे फोकस करो, ये थोड़ा नीचे करो. ये है फैज़ सिद्दीकी और डॉन बॉस्को स्कूल में अंडर 12 में फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में सबसे सबसे ज़्यादा गोल्स और सबसे ज़्यादा चैम्पियन खिलाड़ी ये हैं. और ये है आलिया, मेरी बिटिया. तो इनके साथ मैं यहाँ आया हूँ पुलिस वालों का ये करने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस समाज में पुलिस कायम है ना, और जहाँ का प्रशासन कायम है, वहाँ पर इंशाल्लाह अमन और शांति ज़रूर रहेगी. और मेरे ख्याल से बम्बई की जो पुलिस है उसमें जो इंसानियत है वो दुनिया की पुलिस में कहीं नहीं. क्या चैलेंज किया मैंने आपको? मैंने अभी क्या चैलेंज किया दोस्त आपको? मैं किसी को चैलेंज करने नहीं आया हूँ. इंशाल्लाह चैलेंज करूँगा तो बिग बॉस पे सीज़न 9 में चैलेंज करूँगा. कल राज साहब से मेरी मुलाकात भी हो चुकी है इस सिलसिले में. इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा. जी देखिए, पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब है. मैंने गए बार भी बोला था कि मुझे 1 करोड़ की डिमांड है, अगर 1 करोड़ देते हैं ज़रूर हाजिर हो जाऊँगा आपका मनोरंजन करने के लिए. लेकिन फिलहाल मैं यहाँ आया हूँ इनका प्रोत्साहन करने के लिए, खास करके पुलिस वालों का. मराठी में कहावत है, घेतल्याशिवाय जाणार नाही आणि घातल्याशिवाय राहणार नाही. So we will not give it back. Inshallah, we will come back, and I wish all the players all the very best. Virat Kohli. Thank you. अभी जो संडे में संडे को मैच हो रहा है, साउथ अफ्रीका और इंडिया. जी. आपको क्या लगता है कि इंडिया? तो साउथ अफ्रीकन्स की भाषा में कहना चाहूँगा, सानी बुनानी, मतलब आशा है कि आपका भविष्य उज्जवल हो. ये साउथ अफ्रीका के लिए मैंने बोला, सानी बुनानी. जो हम किसी न सिर्फ इंडिया टीम को, आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को कहना चाहूँगा कि आज यानी कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सब अगर दुआ करें कि हम ये जीत जाएं तो इंशाल्लाह ये बात कायम है. जी मैं तो पागल हूँ, आधा आपने पहले ही देखा है. और अगर गए साल का कोई फुटेज अगर आप गूगल करो इमाम सिद्दीकी होली, तो आपको नजर आएगा कि मैं किस अंदाज में होली खेलता हूँ. और यहाँ मैं कहना चाहूँगा फिर एक बार कि मेरे वालिद साहब एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हमें मतलब नेशनल इंटीग्रेशन सिखाया. हम लोग माटुंगा वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी में, हमारी पैदाइश भी वहीं, पले बड़े, आज भी मेरा भाई वहीं रह रहा है. तो वो एक छोटा सा हिंदुस्तान था, क्योंकि वहाँ भाई और दीदी का कल्चर आज भी कायम है. हम लोग ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम मुसलमान वो हिंदू, ऐसा कभी हम लोग आज भी हमारी जहन में ये बात नहीं आती. तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा एज अ मुस्लिम, एज एन इंडियन मुस्लिम, होली इज़ माई मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल आफ्टर दिवाली एंड आफ्टर अदर फेस्टिवल्स. आई लव होली. जी देखिए, जो भी मुझे बोलना था AIB के बारे में मैंने खुला डंके की चोट पे बोल दिया, यहाँ तक कि मैंने गाली भी दी, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया. लेकिन मेरी मुझे घृणा है इन चीज़ों से, और अगर मजबूरन मुझसे कहलाया जाता है तो मुझे बोलना पड़ता है अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए. थैंक यू.